ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ ଏନେଇ ଆଜି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ସାଧାରଣ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଗଠନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର କହିଛନ୍ତି। उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। वर्तमान केंद्र सरकार को अधीन रे 20 रु अधिक नियुक्ति एजेंसी अछि। केंद्र सरकार चाकरी पई नियुक्ति प्रक्रिया रे परिवर्तनशील संस्कार आनिबा सह युवक मानक पई चाकरी आवेदन प्रक्रिया को सहज करबा पई कैबिनेट एक जातीय नियुक्ति एजेंसी गठन करबा को घोषणा करिछि। एनआरए एक मल्टी एजेंसी संस्था हेबो जा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेलवे नियुक्ति बोर्ड एवं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल द्वारा प्रथम स्तरीय परीक्षा को अंतर्भुक्त करबो। एसएससी, आरआरबी एवं आईबीपीएस पाई प्रथम स्तर रे प्रार्थी को स्क्रीनिंग करबा पई एक साधारण योग्यता परीक्षा अनुष्ठित हेबो। स्नातकोत्तर, उच्च माध्यमिक एवं क्लासिक्स बोर्ड परीक्षा देथिबा छात्र मानक पई सीईटी ऑनलाइन रे अनुष्ठित हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।